तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेरी अदाने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेरी अदाने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मन। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं, आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है, उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल राधे। जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे। केवल स्वयं का लाभ चाप हो वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है। यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवारथी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं।
सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा। यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच। प्रेम अनंत होता है राधा, जितना प्रेम दो उतना लौट के भी आता है। प्रेम एक ऐसा सागर है राधा जिसमें अनंत जल है। बस प्रेम का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। क्या है ये जीवन? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन डूबता, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन? तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं किंतु मन से हारने वालों को नहीं, क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। मेरी बांसुरी और तुम मेरे लिए पूजा हो रहा, मेरी आराधना। प्रीत हो मन मीत हो राधे।